गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास एंड टुडे विल कंटिन्यू चैप्टर 5। हम कुछ सीखें, मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसके थोड़ी एक्सरसाइज भी करा चुकी हूँ। अब मैं इसकी आगे की एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ तक कर दिया था ना, पंक्तियां पूरी कीजिए, ये लास्ट वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ उत्तर लिखिए, मतलब प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, ठीक है। पहला प्रश्न है, हम किस प्रकार सूरज, हवा, धरती, पेड़ आदि का लाभ उठाते हैं। तो क्या करते हैं, कैसे उठाते हैं इसका लाभ? सूरज से हम रोशनी लेते हैं, हवा हमें नया जीवन देती है, धरती पर खेती होती है जिससे हम अपना पेट भरते हैं, और पेड़ हमें फल, फूल और छाया देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, खा, पेड़ हमारी सहायता कैसे करते हैं? पेड़ हमें दोपहर में धूप से छाया देते हैं, खुशबू भरे फूल देते हैं और फल देते हैं जिससे हम अपना पेट भर सकते हैं। ऐसे ही हमें सहायता करते हैं ना पेड़ हमारी। अब हम गा वाला क्वेश्चन करेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आप बताइए, हमें प्रकृति की तरह अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी प्रकृति की तरह अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए, ठीक है। घ, औरों का भी हित हो जिसमें पंक्ति का क्या आशय है? औरों का भी हित हो जिसमें पंक्ति से आशय है कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को भी लाभ हो सके, है ना। दूसरों को लाभ होगा तभी तो अच्छा लगेगा, प्रकृति भी यही करती है। द क्वेश्चन है, हम नया उजाला किस प्रकार सकते हैं? कैसे कर सकते हैं नया उजाला? कविता में क्या बताया गया है, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला कर सकते हैं, है ना। अब हम करेंगे भाषा बोध। भाषा बोध में नंबर 1 है, एक वचन को बहुवचन में बदल दिए। हम वचन पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम इसमें फिर से पढ़ेंगे। एक वचन क्या होता है, जो किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा हो, जैसे पथिक, देश, फूल, तो ये एक व्यक्ति के लिए। इसका एक वचन का बहुवचन बनाना है, तो कैसे करेंगे, हम पथिक को पथिकों कर देंगे, पथिकों को। देश, देश क्या हो जाएगा, देशों, ओ की मात्रा लग जाएगी ना। फूल तो क्या हो जाएगा, फूलों। और अनपढ़ को अनपढ़ों। पेड़ को पेड़ों। दीप को कर देंगे दीपों। ये सब बहुवचन हो जाएंगे इसके, ठीक है। ओ की मात्रा लग के बहुवचन हो जाता है। अब हम करेंगे नंबर 2 क्वेश्चन, वाक्यों को दिए गए संकेत के अनुसार लिखिए। देखिए, देश हमें देता है सब कुछ, तो हमें क्या, इसको वाक्य को सही से और करना है। देश हमें सब कुछ देता है, मतलब सिंपल भाषा में बताना है। वह धरती पर होती खेती है, तो हम कैसे लिख देंगे पूरा वाक्य सही बनाकर, धरती पर खेती होती है। ग है, पेड़ सदा देते हैं छाया। ये तो कविता में हो गया, हम सिंपल भाषा में कैसे कर सकते हैं, पेड़ सदा छाया देती हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। देखिए, जीवन, जीवन से हम क्या वाक्य बना सकते हैं, जीवन अनमोल है। हमें वाक्य बना सकते हैं जीवन अनमोल है। आप और कुछ भी जीवन को यूज करके और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है, ये वाक्य बन गया ना पूरा, मेहनत का फल मीठा होता है। ग है उजाला, तो सूरज ने उजाला कर दिया, सुबह हमें उजाला कर देता है ना, सूरज जब निकलता है तो उजाला हो जाता है पूरे संसार में, तो सूरज ने उजाला कर दिया, ठीक है, ये वाक्य बन गया हमारा। अब नंबर 4, निम्न स्थानों को रंगीन शब्दों के विपरीतार्थक शब्दों से भरिए। से कमरे में अंधेरा है, तो ये रंगीन शब्द ये है ना, इसका हमें विपरीत अर्थ क्या लिखा देंगे, अंधेरा का क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, तो कमरे में अंधेरा है यहाँ पर कर देंगे उजाला कर दो, ठीक है। सफाई होते ही बगीचे की बदबू दूर हो गई, बगीचे की क्या दूर हो गई, बदबू दूर हो गई, तो और खुशबू फैल गई, इसमें यह कहा जाएगा खुशबू फैल गई, इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत अर्थ हो जाएगा ना, खुशबू फैल गई। ग, पुरानी किताबें हटाओ
पुरानी किताबें हटाओ तो इसमें क्या है, रंगीन शब्द क्या है, पुरानी, तो पुरानी की जगह क्या हो जाएगा, नई। विपरीतार्थक शब्द क्या है ना, नई हो जाएगा, नई लेकर आओ, पुरानी किताबें हटाओ और नई लेकर आओ। घ किसी चीज को, अब क्या है इसमें, किसी चीज को डैश तो सरल है पर जोड़ना मुश्किल, तो जोड़ना इसमें अंग्रेजी है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जोड़ना का तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना तो सरल है पर जोड़ना मुश्किल। ओके, ड है सारी आग डैश गई पर एक लकड़ी का टुकड़ा अभी भी जल रहा है, तो रंगीन शब्द क्या है, जल, जल का उल्टा क्या हो जाएगा, बुझना हो जाएगा, तो सारी आग बुझ गई पर एक लकड़ी का टुकड़ा अभी जल रहा है, अभी भी जल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, पाठ में से उचित विशेषण छांटकर लिखिए। उचित विशेषण क्या हो जाएंगे, दोपहर में क्या होता है, जलती दोपहर होती है ना, बहुत तेज धूप होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा विशेषण जलती। तरुओं, तरुओं क्या हो जाएगा, तरु क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, तो तरुओं को क्या त्यागी बोला गया, त्यागी तरुओं। सी फूल, फूल क्या है, नव, नए फूल खिलते हैं ना, तो नव फूल हो गए, इसकी ये विशेषण हो गया इसका। मिट्टी, मिट्टी का क्या हो गया, प्यासी मिट्टी, प्यासी भर देंगे। जीवन, जीवन का क्या हो जाएगा, नया जीवन। सी उजाला, उजाला क्या, नया उजाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची रूप लिखिए। तो सूरज, सूरज का क्या है, सूर्य और दिवाकर, पर्यायवाची शब्द ना ये सूर्य और दिवाकर। खा है हवा, हवा का क्या है पर्यायवाची शब्द, समीर और वायु, समीर और वायु। ग धरती, धरती का क्या हो जाएगा, धरा और भू, धरा और भू। घ पेड़, पेड़ का तरुवर और वृक्ष। ठीक है, ड का फूल, ड में फूल है ना, फूल का पर्यायवाची क्या है, पुष्प और सुमन। ठीक है, तो आप ये सारे पर्यायवाची अपनी कॉपी में सब लिखेंगे, अपनी बुक में भरेंगे और इनको लर्न करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो हमारी एक्टिविटीज दी गई है इनको आप होमवर्क में करेंगे। देखिए क्या लिखा है, आप छोटे हैं फिर भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे देश को हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आप कल्पना करके लिखिए कि आप देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसको हरा भरा रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप ये सब यहाँ पर अपने आप भरेंगे। ठीक है, और इस चित्र को देखकर हमें बताना है, इसकी वेशभूषा और ये जो लोग खड़े इनको देखकर बताना है कि कौन से राज्य के हैं, तो उस राज्य का नाम और उस राज्य की दो विशेषता इसमें लिखनी है, ये तो आप अपने आप करेंगे। ठीक है, और जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ लेंगे। सारी कॉपी, सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।